आप सब लोगों ने अखबारों में भी देखा होगा कि कल प्रसारित किया है झारखंड और तेलों की परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की व्यवस्था एवं निवारण के उपाय विधेयक 2023। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये विधेयक अगर आप पढ़ेंगे पूरे कॉपी को तो फिर समझ में आएगा। ये वही कहित कहावत चरितार्थ है, जैसे गांव में किसी के घर में चोर घुस आया और घर के मालिक जब जग जाते हैं वो चोर चोर की आवाज़ लगाते हैं, चोर दौड़ने लगता है, गांव के लोग भी चोर को पकड़ने के लिए दौड़े पड़ते हैं, तो चोर फिर अपने को बचाव में आने के लिए वो भी चोर चोर चिल्लाता है और उल्टे शरीफ आदमी को ही पकड़ करके और चोर चोर कह करके पीटना शुरू करते हैं। इस विधेयक का भी वही हालत है। आप सब लोगों को पता है कि इसी झारखंड प्रदेश में पिछले जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो उन्होंने लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि एक साथ हम जेपीएससी का एग्जाम लेंगे, प्रत्येक साल करेंगे। और आप सबको ध्यान में होगा पिछले बार जब जेपीएससी का एग्जाम हुआ तो पहली तो उन्होंने रिजल्ट में बड़ी घपला किया, सीरियल से काफी बच्चों ने पास किया था। जब ये पता चला कि इसमें गड़बड़े हुई है, लोगों ने आवाज़ उठाया, नौजवानों ने आवाज़ उठाया, आंदोलन किया। पहले तो सरकार नकारते रही और बाद में फिर सरकार ने उसको स्वीकारा, फिर कई एक नाम को हटाया, फिर गड़बड़ी तो वैसे ही बनी रही क्योंकि विज्ञापन में जहां वो लिखा हुआ था ओमार सीट को जारी करने की, वो आज तक वो सीट को भी उन्होंने जारी नहीं किया। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ उस समय भी बड़ा घपला हुआ। पहले वो मानती नहीं है, जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो वो फिर गलती को स्वीकार करते हैं। आप सब लोगों को ध्यान में है कि जब जब वैकेंसी निकला है, वैकेंसी के निकला और उस पीरियड में कई एक बार संशोधन भी निकला। अब जिस कारण से कई एक जीपीएससी को हाईकोर्ट से भी निरस्त करने किया गया, जांच हुआ, ये चल रहा है, अभी भी मामला ऐसे ही है। और उस बीच सरकार ने ये जो विधेयक लाया है, इस विधेयक तो मानो कि आवाज़ को दफन कर देना, क्योंकि इस विधेयक में कई एक ऐसे चीज़ें उन्होंने डाला है कि भाई कोई भी अगर उस गड़बड़ी का आवाज़ उठाएंगे तो 100 केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, 10 साल तक की सज़ा भी होगी, करोड़ों रुपया की जुर्माना भी होगी। तो आप समझ सकते हो, यानी ये बिल जहां एक और राज्य सरकार जो इस झारखंड की जनता व आंदोलन कर रही है, यहाँ के लोग वो जानना चाहती है भाई सरकार की स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। एक भी एग्जाम हेमंत सोरेन की सरकार में कोई क्लियर हुआ नहीं ठीक से, सब में गड़बड़ी रहा। और उसके बाद कानून बना रही है ताकि बच्चों की भविष्य को और बर्बाद करना, और झारखंड की जो सर्विस है इस कानून से ये दिखता है कि वो सब के सब ये बेच डालेंगे भ्रष्ट अफसर मिल करके। क्योंकि पिछले दिनों जो 26,000 की भी जो वैकेंसी बना है, उस वैकेंसी को बेचने की ये तैयारी है ताकि उसका कोई विरोध नहीं करे, इसलिए इस बिल को लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल का सदन में भी विरोध करेगी और सड़क पर भी विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।